यूपी के रामपुर पुलिस का एक बस सुलूकी करता वीडियो बड़ी तेजी के साथ वायरल हो रहा है। ये वीडियो बिलासपुर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां पर एक भाजपा कार्यकर्ता के साथ बिलासपुर पुलिस ने बस सुलूकी की। यही नहीं, उनको अभद्रता उनके साथ की और गालियां दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने बनाकर वायरल कर दिया। इस मामले में बिलासपुर पुलिस की फजीहत हो रही, तो वहीं भाजपा के जिला अध्यक्ष अभय कुमार गुप्ता इस वीडियो को देखते ही बिलासपुर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ता से उन्होंने पूरी जानकारी ली। इस मामले में भाजपा कार्यकर्ता ने पूरी आपबीती बताई और बस सुलूकी के कई सारे आरोप पुलिस पर जड़े। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जिसमें दो दरोगा और अन्य सिपाही उस कार्यकर्ता के साथ यानी व्यापारी के साथ बड़ी तेजी के साथ उनके साथ दुर्व्यवहार और गंदी गंदी गालियां और उनके साथ बस सुलूकी की गई, जिसका उन्होंने विरोध किया। मगर उसके बावजूद भी पुलिस ने एक ना सुनी और उनके साथ अभद्रता करते हुए उनको जीप में जबरन बिठा लिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर किसी ने बना के वायरल कर दिया। इस मामले में भाजपा के जिला अध्यक्ष अभय कुमार गुप्ता ने जो है कार्रवाई की बात कही है और उच्च अधिकारियों से बात कर इन पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई कराने की बात भी कही है। वीडियो जर्नलिस्ट नाजिम के साथ अफ़ार अहमद, क्यू टीवी भारत, रामपुर। इसको देखकर मुझे आज सूचना मिली, जैसे कि ये वीडियो मेरे को आया कि मैं तुरंत बिलासपुर आया हूँ और मैंने उच्च अपने अधिकारियों से भी बात करी है और अपने जो वरिष्ठ प्रदेश के नेता हैं माननीय मुख्यमंत्री तक मैंने ये बात पहुँचाई है और निश्चित रूप से इन लोगों पर जिन्होंने बदतमीजी करी है कार्रवाई होगी और कभी भी किसी भी कीमत पर पूरे जनपद में हम कार्यकर्ता के साथ या किसी भी आम आदमी के साथ कोई भी जाति नहीं होने देंगे और जहाँ भी इस तरह की जाति या इस तरह की बदतमीजी होगी तो हम तुरंत कम से कम मैं और भारतीय जनता पार्टी